सो गाइज यदि आपके भी टिकटॉक पर 50 या 60 या 100 तक आपके भी व्यूज जाते हैं, इससे ऊपर जाते हैं, 400-500 पे जाकर रुक जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम सभी के साथ होता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। आपको किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, आपको टिकटॉक पर क्या करना चाहिए जिससे कि आपके व्यूज ज़्यादा आ जाएं, तो यार वही बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, उसके बाद आप भी समझ जाओगे कि हमारे व्यूज कम आते हैं, क्यों आते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनेद और आप देख रहे हैं जुन्नू की टेक यूट्यूब चैनल। का चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो यार मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में क्या होता है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में एक्सप्लेन करके, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आपके व्यूज इतने कम नहीं आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। देखो जब आप टिकटॉक पर कोई भी न्यू अकाउंट बनाओ, न्यू अकाउंट बनाने के बाद आप अगर किसी ऐप की हेल्प लेके, किसी भी ऐप का हेल्प लेके अगर वहां से वीडियो बना के टिकटॉक पर अगर पोस्ट करते हो तो आपके व्यूज मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा कम आएंगे। अब जैसे यहाँ पर 7 डे चैलेंज चल रहा है, मैं आपका वीडियो 7 दिन में वायरल करवाऊंगा। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वो नहीं कर रहे हो तो मेरी क्या गलती भाई, आपका वीडियो वायरल नहीं होएगा 100% मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने डाउनलोड भी किया हुआ है, आप उस पर वर्क भी कर रहे हो। अब जिसको नहीं पता भाई सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पर 7 डे चैलेंज चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करो, ऐप जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करने के बाद गेट मनी नाउ पर क्लिक करो, गेट मनी नाउ के बाद डाउनलोड नाउ पर क्लिक करो, आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब उसके बाद आपको मैजिक में जाके सारे वीडियो बना देना है। अब कुछ लोगों ने वो वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और बोल रहे हैं कि भाई लाइक्स नहीं मिल रहे। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, जब आप टिकटॉक पे स्टार्टिंग में अपना फेस कैम वीडियो बनाते हो, फेस के सामने आके वीडियो बनाते हो किसी भी सॉन्ग पर, किसी भी कॉमेडी साउंड पर, तो टिकटॉक आपकी व्यूज़ कितने कराता है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतने व्यूज़ कराता है, कभी कभी 40, 30, 20 पे भी रोक देता है आपके व्यूज़। अब रीज़न ये है, आपने इस तरह का कंटेंट बनाना शुरू किया, आपके उसमें फेस दिख रहा है, ठीक है। अब आप किसी हेल्प लेके, किसी ऐप का हेल्प लेके, वहाँ जो मैंने आपको ऐप बताया हुआ है, अगर आप उस ऐप का हेल्प लेके अगर वीडियो पोस्ट करते हो स्टार्टिंग में आपके व्यूज़ कम कराएगा। और अगर आप रेगुलर वर्क करते रहते हो, आप डेली अगर वीडियो डालते रहते हो उस ऐप का, एक भी दिन मिस नहीं करते जो मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे भाई आपका उस वीडियो पर मिलियन में भी व्यूज़ आ जाएगा। समझ गए आप, मतलब स्टार्टिंग में आपका कम यूज़ आएगा अगर आप किसी दूसरे हेल्प ऐप का हेल्प लेकर करते हो, और अगर आप रेगुलर उसी ऐप के हेल्प लेकर वर्क करते रहोगे तो आपका व्यूज़ इंक्रीज हो जाएगा, मिलियंस में भी आपका व्यूज़ आ सकता है, ठीक है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, हैशटैग आपको कौन सा लगाना है, ठीक है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो करने वाले तो भाई आप ही हो, करना तो आपका ही होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखा छोड़ के भाग गए, कुछ नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर दो वाला कसाता है, तो मेरे भाई ऐसे कैसे आप अपना वीडियो वायरल कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको जब ऐप में जाना है, ऐप इंस्टॉल करोगे, मैंने आपको बता दिया, लिंक पर क्लिक करने के बाद गेट मनी नाउ पर क्लिक करना है। कुछ लोग बोलते हैं भाई ये अर्निंग से रिलेटेड ऐप है, आपको अर्निंग पे ध्यान नहीं देना, पैसे पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल अपना टिकटॉक वीडियो वायरल करना है। तो आपको ऐप ओपन करने के बाद मैजिक में जाना है, मैजिक में जाने के बाद सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, मैजिक में जाने के बाद आपको अपना फोटो ऐड करके वहाँ पर वीडियो बना लेना है। अब जब आप वीडियो बना लोगे, उन वीडियो को आपको एक एक करके पोस्ट करना है, एक दिन में 2 वीडियो पोस्ट करना है। अब हैशटैग में आप कुछ लोग गलती कर देते हो, गलती मत करो मेरे भाई। अब जो मैं आपको हैशटैग बता रहा हूँ आपको वो लगाना है मेरे भाई। आपको हैशटैग लगाने से मतलब है आपको ये नहीं देखना ये हैशटैग कहाँ काम आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो कीजिए। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरा वीडियो वायरल कैसे हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हैशटैग आपको सबसे पहले तो टाइटल में रख देना है। टाइटल रखने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और मेरे इंटरनेट की स्लो स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्लो इंटरनेट चल रहा है, तो टाइटल तो वहाँ पर शो हो जाता है और आपका वीडियो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो मैं आपका टाइटल देखकर वहीं पर ही रुका रहूँगा। अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिव होगा तो मैं आपका टाइटल देख के आपका वीडियो देखने की कोशिश करूँगा, ऐसा होता है मेरे भाई। तो आपको टाइटल में कुछ ऐसा रखना है जिससे कि बंदा रुका ही रहे वहाँ पे, ठीक है। अब ये करके दिखाओ, कौन कौन ये कर सकता है, ये चैलेंज करके दिखाओ, बहुत सारे टाइटल हैं, आप दिमाग से खुद भी रख सकते हो, ठीक है। और हैशटैग आपको लगाना है फॉर यू पेज, FORYOUPAGE, और उसके बाद हैशटैग लगाना है आपको EDUTOK। 2 हैशटैग मैंने आपको केवल बताए हैं, अब 2 हैशटैग आपको खुद से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। जब आप टिकटॉक पर कुछ भी सर्च करते हो, सर्च करने से पहले वहाँ पर खुद ही हैशटैग आते हैं, जितने भी ट्रेंडिंग है आप वहाँ से कोई भी 2 हैशटैग आप खुद से लगा सकते हो। 2 हैशटैग मैंने बता दिए, 2 आपको खुद से लगाने हैं। अब वीडियो आपका उसी मैजिक स्टेटस पर ही होना चाहिए। अब उसके बाद बताना मुझे रिजल्ट कैसा रहा, और जो आपका फोटो है वहाँ पर ऐप में जाकर फोटो ऐड करोगे वो आपका फोटो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।
तो यार यही बताना था वीडियो में। और भी कोई क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की, ठीक है। कुछ बंदे बोल रहे कि भाई इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करता, भाई बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई करने की, बात भी होती है कुछ बंदों से। तो यार यही कुछ बताना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 7 डे चैलेंज चल रहा है भाई, 7 दिन के अंदर वीडियो वायरल जरूर करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।